दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्विच कितने टाइप के होते हैं और कौन सा स्विच कितने एम्पियर तक का लोड ले सकता है और हमें कौन सा स्विच कहां पर यूज करना चाहिए, यानी कि हम अपने घरेलू उपकरण को ऑन ऑफ करने के लिए जिन स्विचों को लगाते हैं स्विच बोर्ड में, तो वह स्विच कितने एम्पियर के होते हैं और कौन सा स्विच कहाँ पर यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और यदि आप इलेक्ट्रिशियन है तो आपको यह जानना जरूरी है कि स्विच कितने टाइप के है और कौन सा स्विच हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हाउस वायरिंग में यूज़ होने वाले स्विच चार टाइप में अवेलेबल होते हैं, जिनका यूज़ होम अप्लायंस को चलाने के लिए करते हैं, घरेलू उपकरण को चलाने के लिए, जिनमें से एक होता है बोर्ड स्विच, दूसरा होता है मॉड्यूलर स्विच और तीसरा होता है टू वे स्विच और इसके बाद चौथा होता है बेड स्विच। तो दोस्तों बोर्ड स्विच जो होता है वह लकड़ी वाले स्विच बोर्ड में लगता है, जो कि दो स्क्रू से लगाया जाता है। लकड़ी का स्विच बोर्ड होता है, उसमें दो स्क्रू से स्विच बोर्ड में फिक्स किया जाता है। और बोर्ड स्विच दो टाइप में अवेलेबल होते हैं, जो कि एक होता है बेल स्विच और दूसरा होता है नॉर्मल स्विच, जिसे हम प्रेस स्विच भी कह सकते हैं। और बेल स्विच जो होता है वह घंटी के लिए यूज किया जाता है, जिसे पुश बटन भी कहते हैं। और बेल स्विच जो होता है उसे हम जब तक दबा के रखते हैं तब तक वह ऑन रखता है और जब हम बेल स्विच को छोड़ते हैं तो वह बंद हो जाता है। और नॉर्मल स्विच जो होता है उसे प्रेस बटन भी कहते हैं, जिसे कि हम अपने घरों के उपकरण को चलाने के लिए करते हैं, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन को चलाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और नॉर्मल स्विच को एक बार दबाने से वह ऑन होता है और बंद करने के लिए हमें दोबारा से ऑफ करना होता है, दोबारा से दबा के उसे ऑफ कर सकते हैं। और बोर्ड स्विच जो होते हैं वह 6 एम्पियर के और 16 एम्पियर के अवेलेबल होते हैं। और बोर्ड स्विच में हम 6 एम्पियर के स्विच की जगह 16 एम्पियर का स्विच नहीं लगा सकते हैं और 16 एम्पियर के स्विच की जगह हम 6 एम्पियर का स्विच नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी साइज अलग अलग होती है, इसीलिए हमें इन्हें एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा होता है मॉड्यूलर स्विच। मॉड्यूलर स्विच जो होता है वह मॉड्यूलर स्विच बोर्ड में ही लगता है और मॉड्यूलर स्विच जो होता है वह 6 एम्पियर का भी अवेलेबल होता है और 10 एम्पियर का भी अवेलेबल होता है। और मॉड्यूलर स्विच जो होता है वह 16 एम्पियर और 20 एम्पियर के भी अवेलेबल होते हैं, जो कि बोर्ड स्विच से थोड़े हैवी होते हैं और मॉड्यूलर टाइप में होते हैं। और मॉड्यूलर स्विच भी दो टाइप में अवेलेबल होते हैं, जो कि एक बेल स्विच में भी अवेलेबल होते हैं और एक नॉर्मल स्विच में भी अवेलेबल होते हैं। बेल स्विच जो होता है उसका यूज़ हम घंटी के लिए अधिकतर करते हैं और नॉर्मल स्विच जो होता है उसका यूज़ हम अपने घर के उपकरण को चलाने के लिए करते हैं। और तीसरा होता है टू वे स्विच। टू वे स्विच से हम एक स्विच से दो उपकरण को भी चला सकते हैं और दो स्विच से एक उपकरण को भी चला सकते हैं। यदि हम एक टू वे स्विच से दो उपकरण को चलाते हैं तो उसमें दोनों में से एक उपकरण ऑन ही रहता है, यानी कि यदि हम एक टू वे स्विच से दो बल्ब को चलाते हैं तो दोनों बल्ब में से एक बल्ब ऑन रहेगा और एक बल्ब ऑफ रहेगा। और यदि हम दो टू वे स्विच से एक बल्ब को चलाते हैं तो उसमें से हम दो अलग अलग जगह से उस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसका यूज हम ज्यादातर सीढ़ियों के लिए करते हैं, जिसे कि हम दो अलग अलग जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों टू वे स्विच को अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं। और टू वे स्विच जो होता है वह बोर्ड स्विच और मॉड्यूलर स्विच दोनों टाइप में अवेलेबल होते हैं। टू वे स्विच बोर्ड स्विच में भी अवेलेबल होते हैं और मॉड्यूलर स्विच में भी अवेलेबल होते हैं, जो कि बोर्ड स्विच को हम लकड़ी वाले स्विच बोर्ड में लगा सकते हैं और मॉड्यूलर स्विच को हम मॉड्यूलर स्विच बोर्ड में लगा सकते हैं। और चौथा होता है बेड स्विच। बेड स्विच का यूज हम केवल एक उपकरण को चलाने के लिए करते हैं, यानी कि हम टेम्परेली के लिए यूज़ करते हैं बेड स्विच का। बेड स्विच किसी भी स्विच बोर्ड में नहीं लगता है, क्योंकि बेड स्विच के बैक साइड में एक ढक्कन टाइप होता है, जिससे कि उसमें सेफ्टी होती है, जिससे कि हम उसमें स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि बेड स्विच जो होता है उसे हम केवल एक उपकरण को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि यदि हमें एक बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर एक फैन चलाना है तो उसके लिए हम बेड स्विच लगा सकते हैं, उसके लिए हमें स्विच बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेड स्विच जो होते हैं वह भी बेल स्विच और नॉर्मल स्विच दोनों टाइप में अवेलेबल होते हैं। यदि हम बेड स्विच का यूज़ घंटी के लिए करते हैं तो उसमें हम बेल स्विच टाइप में बेड स्विच लगा सकते हैं, और यदि हम किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए उसका यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मल स्विच में बेड स्विच का यूज़ कर सकते हैं। और बेड स्विच जो होता है वह 5 एम्पियर तक की कैपेसिटी का होता है, जिससे कि हम 1 एम्पियर से लगाकर 5 एम्पियर तक का लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों बेड स्विच के अलावा हम बाकी स्विच का यूज़ हाउस वायरिंग में कर सकते हैं, और बेड स्विच का यूज़ भी हम केवल एक उपकरण को चलाने के लिए टेम्परेली यूज़ में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और स्विच से संबंधित या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित या हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।